हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है क्रिएट फ्रंट एंड एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट एंड फेच डेटा फ्रॉम मंगोडीबी एंड नॉट जेएस सर्वर। लास्ट वीडियोस के अंदर हमने नॉट जेएस का सर्वर क्रिएट करा था, जिसमें हमने मंगोडीबी को अपने पास ऐड करा था एज अ डेटाबेस, ताकि हम उसके अंदर अपने रिकॉर्ड को इंसर्ट कर सकें, अपडेट कर सकें और डिलीट कर सकें। अब हम जो बनाने जा रहे हैं उसका फ्रंट एंड बनाने जा रहे हैं, ताकि हम उस फ्रंट एंड के थ्रू हम डेटा को इंसर्ट, अपडेट, डिलीट एंड व्यू कर सकें। तो आइए हम चलते हैं अपने कोड की तरफ। इसमें हमने एक इंडेक्स डॉट एच टी एम एल की फाइल पहले से बना के रखी हुई है। उसमें हमने क्या करा है कि बूटस्ट्रैप को यूज़ करा है, एक्जियोस को यूज़ करा है, फिर उनके सी डी एन का यूज़ करा है, और उसके थ्रू हमने एक फ्रंट एंड डिज़ाइन कर दिया है पहले से ही। क्योंकि हमारा जो मेन टारगेट है वो ये है कि इसके क्लिक के ऊपर जो हमें डेटा फेच करना है वो किस ए पी आई के थ्रू गेट करना है, डिलीट करना है और अपडेट करना है। तो हमारा मेन फोकस ही है। डिज़ाइन आप किसी तरीके भी बना सकते हैं। ये मैंने बूटस्ट्रैप को यूज़ करते हुए डिज़ाइन बनाया है। तो मैं आपको इसका ओवरव्यू दे देता हूँ कि भाई इसे मैंने करा क्या है। मैंने बूटस्ट्रैप का सी डी एन यूज़ करा है, और उस सी डी एन की मदद से मैंने कुछ क्लासेस यूज़ करी हैं, इसके अंदर कुछ इनपुट्स लिए, मैंने इसके अंदर कुछ बटन बनाए। मैं आपको इसका डिज़ाइन दिखाता हूँ। ये मेरे फ्रंट एंड का डिज़ाइन है, आप अपनी मर्जी से बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे चार इनपुट्स लिए, स्टूडेंट नेम, फादर नेम, एज एंड रोल नंबर, ताकि मैं इनमें डेटा डालूं और क्रिएट पोस्ट करूं तो मेरा डेटा इंसर्ट हो जाए, और जब मैं गेट ऑल करूं तो सारा डेटा मेरे पास आ जाए, और मैं अपडेट करना चाहूँ या डिलीट तो वो भी कर सकता हूँ मैं। तो आइए हमने जो उसका मेन कोड लिखना है वो हम कोड लिखने चलते हैं। हमने फंक्शन डॉट जेस की इसमें एक स्क्रिप्ट बनाई है, मैं आपको इसको दिखा देता हूँ। इससे मैंने जो एक्जियोस के पहले से फंक्शन बना के रख दी है इसके अंदर, ये आपको बने बनाए मिल जाएंगे इसकी अपनी लाइब्रेरी से। आप वहाँ से जाके ये चीज़ें गेट कर सकते हैं। मैं आपको इसका लिंक दे देता हूँ। ये exios.npm है, ये इसकी लाइब्रेरी है। इसने यहाँ बताया हुआ है, देखिए जो हमने सी डी एन यूज़ करा है वो सी डी एन भी इसने यहाँ पे दिया हुआ है कि आप सी डी एन की मदद से भी इसको मुझे यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर सी डी एन कॉल करके अपने पास को यूज़ कर लिया, और इसके अंदर ये देखेंगे उसने बताया है किस तरह आपको रिकॉर्ड गेट करना है, अपडेट करना है, डिलीट, इसकी डॉक्यूमेंटेशन पूरा लिखा हुआ है। तो अगर आपको इसके डिटेल में जाना हो तो आप यहाँ से जाके देख सकते हैं। तो हम किसी देरी के अपने फंक्शंस को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला फंक्शन जो हमने यह बटन लिया हुआ है, जो उसको हमने ऑन क्लिक कॉल करा हुआ है, वो है हमारा पोस्ट क्रिएट का। तो मैं यहाँ से फंक्शन का नाम कॉपी कर लेता हूँ, और अपनी पोस्ट की एपीआई के अंदर मैं इसको लिख देता हूँ, फंक्शन ये। अब क्या होगा, जैसे ही बटन क्लिक करूंगा ये मेरा फंक्शन कॉल हो जाएगा। अब मुझे क्या करना है, इसके अंदर अपना यूआरएल पास करना है। तो सबसे पहले मैं इसके अंदर क्या करूंगा, जो मैंने वहाँ पे इनपुट्स लिए हैं, मुझे इनपुट्स की वैल्यू गेट करना है ताकि मैं उसको क्रिएट में भेज सकूँ। तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, लेट स्टूडेंट नेम इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। मैं अपने इनपुट्स की जो मैंने आईडी रखी है वो मैं देख लेता हूँ मैंने क्या रखी है। मैंने इसी नाम से ही रखी है, तो मैं यहाँ से गेट कर लेता हूँ ताकि मेरा काम आसान हो जाए। मैंने कॉपी कर लिया मेरे चार इनपुट्स से। मैंने यहाँ पे दूसरा नाम रख दिया फादर ने, मेरी आईडी का नाम भी यही है। मैंने यहाँ पर इसका नाम रख दिया एच, क्योंकि मेरी आईडी का नाम भी एच ही है। मैंने यहाँ पे कॉपी कर लिया। रोल नंबर अब मुझे क्या करना है, मैंने इन सब की वैल्यूज को मैंने गेट कर लिया। अब मुझे अपना यूआरएल हरी को भी डिप्लॉय जो करें, मुझे अपना यू आर एल चाहिए इसके अंदर। तो मेरा हरी को भी डिप्लॉय है, मैंने यहाँ से अपना यू आर एल उठाया। आपका जो भी यू आर एल है वो यहाँ पे ऐड करेंगे, मेरा यू आर एल ये था, मैंने यहाँ पे ऐड करा। उसके बाद आपने क्या करना है, कॉमा, कॉमा के बाद जो आपने यहाँ पे ब्रैकेट डाला है, जो कॉल बैक फंक्शन है, इसके अंदर आपने क्या करना है, अपने वेरिएबल्स के नाम यहाँ पे लिखने हैं आपने, जो आपने बनाए हैं।
स्टोर नेम डॉट स्टोर। अच्छा, ये जो वेरिएबल्स के नाम है ये आपके टेबल के अंदर जो फील्ड हैं उसके नाम है, आपको ये देना है यहाँ पे। अगर आपने कुछ और नाम रखा तो आप वो देंगे इसके अंदर। मैंने सेम ही रखे थे तो इसलिए मैं यहाँ पे कॉपी कर रहा हूँ इसको और पेस्ट कर रहा हूँ ताकि मेरा टाइम बच सके और आप समझ सकें चीज़ों को। ये मैंने अपनी फील्ड्स दे दी हैं इसको। उसके बाद मुझे क्या करना है कि मेरा कॉल फंक्शन है कि भाई जैसे ये मेरी फील्ड्स हो उसमें तो रिस्पॉन्स कर देना। रिस्पॉन्स को मैंने कंसोल करा लिया। अब मैं यहाँ पे अलर्ट भी लगा देता हूँ एक कि जैसे ही मेरा रिस्पॉन्स मुझे मिले तो रिस्पॉन्स का जो डेटा है बेसिकली रिस्पॉन्स डॉट डेटा अलर्ट करा दो। अब डेटा में जो भी होगा वो अलर्ट कर देगा। हम इसको चेक करते हैं ऐड करके अपने पास, ये जो हमने काम करा है वो सही काम कर रहा है नहीं कर रहा है। मैंने यहाँ पे डमी डाल दिया, फादर नेम, एज 23 डाल दी, मैंने रोल नंबर 1111 डाल दी। अब इसको हम चेक भी करेंगे कि हमारी जो रिक्वेस्ट गई है वो क्या गई है और रिस्पॉन्स हमें क्या मिला है। तो यूज़र की रिक्वेस्ट गई है और देखें यूज़र क्रिएट हो गया है और उसका स्टेटस 200 आ गया है और उसने कुछ रिस्पॉन्स भी करा होगा तो हमने कंसोल में उसका रिस्पॉन्स लिया हुआ, तो हम जाके चेक कर लेते हैं। तो ये हमें रिस्पॉन्स दिया है उसने और डेटा में देखें जो मैंने भेजा था यूज़र क्रिएटेड वो यूज़र क्रिएटेड भी हो चुका है। तो यानी हमारी क्रिएट की जो API थी वो सही कॉल हुई है और सही वर्क करा है उसने। अब हम चलते हैं गेट की तरफ, ताकि जैसे ही हम गेट की API यूज़ कर रहे हैं तो हमारे टेबल के अंदर, हमने यहाँ पे एक टेबल बना के रखा हुआ है अपने पास, इसके अंदर हमारा रिकॉर्ड आ जाए। तो हम क्या करेंगे इसके अंदर, सबसे पहले हम इसमें अपने फंक्शन लिखेंगे जो हमने जिस हमसे फंक्शन बनाया है। फंक्शन फंक्शन का नाम जो मेरे बटन का ऑन क्लिक है मैं वो चेक कर लेता हूँ, गेट ऑल। गेट ऑल मैंने यहाँ पे जहाँ मेरी ये खत्म हो रही है उसके बाद मैंने इसको क्लोज कर दिया। इससे मेरा URL आ जाएगा, URL मेरा वही है, मैंने यहाँ से कॉपी करा। आपका जो भी URL अब यहाँ पे डाल ऐड करिएगा। सबसे पहले इसका हम रिस्पॉन्स चेक कर लेते हैं कि आया जो हमने इसको काम करा है इस क्लिक के ऊपर वो हमारा सही है या नहीं सही है। इसको हम यहाँ से बंद करते हैं, ये कुछ फाइल्स के इशू है। मैं यहाँ पर आया, मैंने गेट ऑल स्टूडेंट्स करा, तो देखिए उसने मुझे डेटा दे दिया है, यानी API ने मेरा सही काम करा है, उसने मुझे डेटा दे दिया। अब मुझे उस डेटा को रोज को तोड़ना है अपने टेबल के हिसाब से, तो हम इस पर काम स्टार्ट करते हैं। तो यानी मुझे रिस्पॉन्स के अंदर अपने क्या करना पड़ेगा कि मुझे फॉर ईच का लूप लगाना पड़ेगा। तो हम फॉर ईच का लूप किस तरह लगाएंगे इसके अंदर, मैंने लिखा भाई रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट डॉट के बाद हम लिखेंगे फॉर ईच का फंक्शन, फॉर ईच इसके अंदर हम कॉल बैक फंक्शन लगाएंगे, एक और फंक्शन डेटा। हम इसमें चेक करते हैं कि भाई जो हमने डेटा बनाया है ये हमारा डेटा आया है या नहीं आया है, इसने रो वाइज को तोड़ा है नहीं तोड़ा है। तो हम क्या करेंगे इसको भी कंसोल करके चेक करते हैं, कंसोल डॉट लॉग डेटा। मैं यहाँ पे अपने डेटा को गेट करता हूँ, तो देखिए उसने हर रो को अलग अलग तोड़ दिया, यानी मेरे 7 रिकॉर्ड्स से उसने 7 रोज मुझे क्रिएट कर दी। अब मुझे क्या करना है कि इन रोज को मुझे अपनी टेबल की रोज के अंदर ऐड कराना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मैंने यहाँ पे सिंपल एक इसमें हम ले लेते हैं एक वेरिएबल, हम इसमें थोड़ा एडवांस काम करेंगे। उसके बाद मैंने क्या करा है कि यहाँ पे अपनी स्टूडेंट टाइम पे HTML लिखी है मैंने, डॉलर HTML इसमें प्लस इज इक्वल टू करो TR पे, इसको बंद करो।
अब टी आर मुझे क्लोज भी करना है, तो मैंने यहाँ पर टी आर को क्लोज कर दिया ताकि हर लूप पे मेरी एक टी आर जनरेट हो। उसके बाद मुझे क्या करना है, मैंने प्लस दोबारा लिया, मुझे टी डी बनाना है, तो डी डी के लिए मैं टी डी लिया यहाँ पे। टी डी आ गया यहाँ पे मेरा। उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या करा है, प्लस डेटा डॉट स्टूडेंट नेम प्लस स्लैश टी डी, टी डी मेरा क्लोज हो गया। अब मुझे अपने टी डी की आईडी भी रखनी है, मैंने यहाँ पे आईडी रखी टी डी की अपनी, और आईडी मुझे भी नहीं रखनी है। मैं क्या करूँगा, स्टूडेंट नेम, मैंने इसके, अब मैं एक, मुझे एक चीज़ और भी करनी है इसके अंदर, मैं यहाँ पे एक वेरिएबल और भी ले लेता हूँ, अंदर ले लेता हूँ आईडी का, और इसमें भेज देता हूँ डेटा डॉट आईडी, जो आईडी मेरे पास डेटा के अंदर आई है वो इसके अंदर भेज दूँ। अब मैंने सिंपली क्या काम करा है कि मुझे इसकी यूनिक आईडी क्रिएट करनी है, स्लैश डॉलर आईडी, मेरी आईडी क्रिएट हो गई है। मैंने यहाँ पे लाइन को टर्मिनेट कर दिया, फिर मेरी चार फील्ड्स थी, मैंने यहाँ चार फील्ड डाल दी है, फिर फादर नेम एज देन रोल नंबर, आईडी मुझे यही डालनी है, तो आईडी मैंने यही डाल दी है इसके अंदर। इसमें उससे छोटी सी मिस्टेक हो गई है, मैं उसको रिजॉल्व करता हूँ, इसलिए काम हम जल्दी जल्दी करें तो मिस्टेक्स के चांसेस हो जाते हैं। तो मैंने इसका जो बंद करना था, मैंने उसको इसके अंदर बंद कर दिया, जिसकी वजह से मुझे ये एरर फॉर्म कर रहा था। अब मुझे क्या करना है, इसमें एक बटन बनाना है ताकि जब भी मेरा रिकॉर्ड ऐड हो। बटन हम किस तरह बनाएंगे इसके अंदर, टीडी उसके बाद में यहाँ से खत्म करते हैं, यहाँ से एंकर रेफरेंस जावास्क्रिप्ट वॉइड फंक्शन और मुझे इसके अंदर एक ऑन क्लिक का फंक्शन ही बनाना है, ऑन क्लिक, ऑन क्लिक। मैं इसमें फंक्शन ना कुछ भी ना कर सकता हूँ, मैंने रख दिया है गेट रिकॉर्ड्स के नाम से, मैंने इस पर अपनी आईडी भी डाल दी, यानी जो भी पूरी रो मुझे इसके अंदर मिल जाए, दिस लिखने का मतलब ये था। देन मैंने इसकी भी आईडी रखी है, आईडी में इसमें क्या डालूँगा, सिंपली जो मेरे डेटा की आईडी मैंने बनाई है अपनी डॉलर आईडी। डॉलर आईडी मैंने बना दी है इसके अंदर अपनी, उसके बाद मैंने इसको बंद कर दिया अपने एंकर को। देन ये मेरा व्यू बन गया है। अब मुझे सिंपली क्या करना है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, ये भी आओ बराबर है डॉलर एच टी एम एल के,
अब ये मेरी आईडी कहाँ से आई है, मैंने आईडी कहाँ ली थी अपने इनपुट के अंदर। जब मैं यहाँ टेबल क्रिएट कर रहा था तो मैंने टी बॉडी की आईडी डाल दी थी कि भाई टी बॉडी की आईडी जो है मेरी ये, तब जो मेरी एचटीएमएल आएगी वो इस आईडी पर आएगी। तो मैं क्या करता हूँ, इसको चेक भी कर लेता हूँ, इसको सेव करता हूँ। मैंने गेट ऑल स्टूडेंट्स करा, तो देखिए यहाँ उसमें मुझे इसने स्टूडेंट्स दे दी है। मेरी चेक भी करता हूँ कि मेरी इसकी आईडी क्या थी, तो आईडी मुझे यहाँ मिल गई है। तो आगे दोस्तों अपना आगे काम करते हैं, जिसमें अपडेट और डिलीट वाला काम करना है बिना किसी देरी के। अभी मुझे क्या करना है इसके अंदर एक काम, कि जैसे ही मैं व्यू पे क्लिक करूँ तो रिकॉर्ड मेरा जो है इन इनपुट्स के अंदर आ जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपली वर्क करेंगे उसके लिए भी हम। फंक्शंस के अंदर ही मुझे अब क्या करना है, गेट रिकॉर्ड्स का मुझे फंक्शन बनाना है। मैंने ये कॉपी कर लिया, कंट्रोल सी, डाला ऑब्जेक्ट, मुझे एक आईडी का वेरिएबल बनाना है, तो मैंने आईडी डाल दिया इक्वल टू डॉलर ऑब्जेक्ट डॉट गेट एट्रीब्यूट गेट एट्रीब्यूट आईडी। तो ये मुझे क्या करेगा, इसने मुझे आईडी रन कर देगा, तो मुझे अपनी आईडी को यूज़ करना है। तो मुझे अगर नहीं, साइड में जो भी मेरा डेटा आया है मुझे इसको, मैं एक काम इसमें कर दूँ, ऊपर से पहले इसको एक कॉपी कर लेता हूँ। क्योंकि मुझे जो टेबल्स के अंदर रो थी मुझे उसका एस्टिमेट चाहिए, तो मैं इसको कॉपी कर लिया सिंपली और वैल्यू की जगह यहाँ पर डाल दिया इनर एस्टिमेट। क्योंकि वैसे भी जो टे रो है हमारी वो वैल्यू नहीं है, वो एस्टिमेट है, तो हमें इसके लिए इनर एस्टिमेट ही चाहिए होगा। अब यहाँ मुझे आईडी भी अपनी कॉन्केटिनेट करनी है आईडी के साथ, तो मैं सिंपली क्या करूँगा, डॉलर आईडी ये काम मुझे करना है, तो मैं इसको कॉपी करके सब में डाल देता हूँ। अब सिंपली मुझे इसके अंदर वैल्यू सारी मिल गई है, मुझे अपनी वैल्यूज को सेट कराना है इसके अंदर। मैं क्या करूँगा, सिंपली जो ऊपर से मैंने कॉपी करा दोबारा इसको कॉपी करूँगा और यहाँ पे इसको पेस्ट की वजह, पहले मैंने इन वैल्यूज ली है, मुझे इसमें वैल्यू सेट करानी है, तो सिंपली मैं इसमें से ये हटा दूंगा। अब मुझे इसमें क्या करना है, वैल्यू सेट करानी है, तो मैं क्या करूँगा, इक्वल टू स्टूडेंट नेम, इक्वल टू फादर नेम, इक्वल टू एज, इक्वल टू रोल नंबर। तो यहाँ तक हमारा काम हो चुका है कि हम वैल्यू गेट करी, और वैल्यू गेट करने के बाद हम किस तरह इसको अपने इनपुट्स में दिखाएंगे। मैंने गेट ऑल स्टूडेंट्स करा, मैं किसी को व्यू करता हूँ, मुझे एरर दे रहा है गेट एट्रीब्यूट्स। मैंने यहाँ पे शायद मिस्टेक कर दी है, गेट एट्रीब्यूट होता है, मैंने उसको एस डाल दिया था, तो ये थोड़ी सी मसले आ जाते हैं। मैंने गेट स्टूडेंट्स करा, उसके बाद व्यू करा, तो देखा रिकॉर्ड मेरा ऊपर आ चुका है। अब मुझे अगर ना इसको अपडेट और डिलीट करना है, तो आइए हम बिना किसी देरी के इसको अपडेट और डिलीट करते हैं। तो मैं यहाँ पे अपडेट का पहले फंक्शन लिख दूँ, फंक्शन, और जो मेरे बटन पे फंक्शन कॉल हो रहा है वो अपडेट पे क्या हो रहा है।
डेट स्टोरेज मैंने कॉपी कर लिया, मैंने फंक्शन डाला, तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, इसमें वैल्यूज देनी है, तो मैं ऊपर से ही कॉपी कर लेता हूँ वैल्यूज, मुझे वैल्यूज गेट करनी है, मैंने कॉपी कर लिया, मैंने यहाँ पे अपने फंक्शंस में इसको ऐड कर दिया। मुझे यहाँ पे यूआरएल देना है, यूआरएल ऊपर से कॉपी कर लेता हूँ, यूआरएल मेरा यही है बस, मैंने अपना ये वाला यहाँ पे कॉपी कर लिया। तो मुझे इसमें अपने पास एक आईडी देनी है। अब मैंने इसमें काम ये करा है कि अपने पास एक हिडन वेरिएबल लिया है, अब मैं उसके अंदर अपनी आईडी भेज दूंगा। यहाँ से मैं दिया मैंने स्टूडेंट आईडी बराबर है आईडी के, तो इसमें जो भी आईडी होगी वो मेरे स्टूडेंट आईडी के हिडन वेरिफाई हेडर में आ जाएगी। अब मैं इसको आईडी को भी गेट कर लेता हूँ, लेट आईडी बराबर है स्टूडेंट आईडी, जो भी इसके अंदर आईडी होगी वो मुझे इस वेरिएबल में मिल जाएगी। अब इस वेरिएबल का मैं क्या करूँगा, इसके साथ कॉन्कैटिनेट करा दूंगा प्लस आईडी। अब मुझे यहाँ पे अपनी वैल्यूज भेजनी है जो इसमें मैं चेंजिंग करूँगा ताकि यहाँ पर आ जाए, तो ये भी मैं ऊपर से कॉपी कर लेता हूँ, सेम वही चीज़ है। मैंने यहाँ पे इसको भेज दिए, देन रिस्पॉन्स मुझे क्या मिलेगा, मैंने कंसोल रिस्पॉन्स करा दिया। मैं यहाँ पे इसको अलर्ट अलर्ट दे, तो अलर्ट अपडेटेड, और देन मैंने इसमें एक काम क्या करा, गेट ऑल, गेट ऑल का जो मेरा फंक्शंस था मैंने कॉल करा, तो उसमें क्या होगा जैसे ही वो रिकॉर्ड अपडेट करे तो गेट ऑल की भी ये थी कॉल करके ही रिकॉर्ड दोबारा लेकर आ जाएगा। यहाँ पे मैंने अपने अपडेट स्टूडेंट्स का पूरा फंक्शन लिख दिया है, किस तरह मेरा रिकॉर्ड वैल्यूज गेट करनी है मुझे, उसके बाद यूआरएल मेरा क्या है, उसमें मुझे आईडी क्या भेजनी है, मुझे पैरामीटर्स क्या सेट करने हैं, किस में अपडेट करना है, और मुझे रिस्पॉन्स क्या मिलेगा। अब इसके अंदर मैंने एक काम क्या करा, जैसे ही मेरा रिस्पॉन्स मुझे ओके मिलेगा तो जो भी मेरा गेट ऑल, गेट ऑल मेरा क्या है जो मैंने यहाँ पे अपना गेट का फंक्शन बनाया था, तो ये मेरा फंक्शन कॉल हो जाएगा, तो इससे क्या होगा नीचे ऑलरेडी ऑटोमेटिक मेरे रिकॉर्ड्स अपडेट होते जाएंगे। और ये मैं इसका डेमो देता हूँ आपको, मैंने पेज को रिफ्रेश करा, उसके बाद मैंने गेट ऑल स्टूडेंट्स करा, स्टूडेंट्स मेरे पास नीचे आ चुके हैं। अब मैंने पहले स्टूडेंट्स को ही मैंने यहाँ पे अपडेट करने चाह रहा था, मैंने यहाँ पे लिख दिया टेस्टेड, कुछ भी लिख सकते हैं आप, ताकि मैं भी ये टेस्टेड यू डाल लूँ ताकि मुझे याद रहे। मैंने यहाँ पे रख दिया अपडेटेड, मैंने दो फील्ड्स को ही अपडेट करना चाह रहा हूँ, तो मैंने इसको अपडेट करा, तो देखें यूज़र अपडेटेड, मैंने ओके करा, तो देखें यहाँ फौरन नीचे चेंज हो गया टेस्टेड एंड अपडेटेड, तो यानी हमारा अपडेट का काम भी यहाँ पे बिल्कुल सही हुआ है। तो हम चलते हैं अब डिलीट की जाने। अब हम यहाँ पे क्या करने जा रहे हैं, अपने डिलीट का फंक्शन लिखने जा रहे हैं। तो डिलीट के फंक्शन के लिए हम क्या करेंगे, पहले फंक्शन लिख लेंगे फंक्शन, उसके बाद जो मेरे यहाँ पे ऑन क्लिक के फंक्शन का नाम है डिलीट पे, तो डिलीट स्टूडेंट्स है मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया, ये मेरा डिलीट का फंक्शन बन चुका है जो ऑन क्लिक पे कॉल होगा। अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे आईडी गेट करनी है, तो मैंने कर दिया आईडी बराबर है, मैं इससे पहले भी आईडी गेट कर चुका हूँ, तो मैं सी को उठा लेता हूँ सी, देन कंट्रोल वी, मैंने आईडी गेट कर लिए। उसके बाद मुझे क्या करना है, अपना यूआरएल यहाँ पे डालना है, तो यूआरएल मेरा यही रहेगा जो मेरा पुट के लिए यूज़ हो रहा है, तो मैंने यहाँ से इसको कॉपी कर लिया, देन यहाँ इसको पेस्ट कर लिया। आपका जो यूआरएल है वो लिखिएगा यहाँ पे सही। अब मैं यहाँ पे एक मैसेज पास कर देता हूँ, अलर्ट डॉट रिस्पॉन्स, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया रिकॉर्ड डिलीटेड। देन मैंने यहाँ पे क्या करा कि जैसे रिकॉर्ड डिलीट हो तो मेरा गेट ऑल
दोबारा कॉल हो जाए, ताकि जैसे रिकॉर्ड डिलीट हो तो मेरी लिस्ट रिफ्रेश हो और हाँ मेरे पास अपडेटेड रिकॉर्ड्स आ जाए। तो इसको हम चेक करते हैं कि हमारा काम सही हुआ नहीं हुआ। तो अपने ब्राउज़र पर जाते हैं, मेरे यहाँ Ctrl F5 करें। तो यहाँ पे अपने सारे स्टूडेंट्स को पहले गेट करेंगे डिलीट करने के लिए। मैंने अब अपने सारे स्टूडेंट्स गेट कर लिए। अब मैं चाहता हूँ कि मेरा टेस्टेड वाला जो यूज़र है, जो स्टूडेंट है, वो डिलीट हो जाए। तो मैंने यहाँ से व्यू करा इसको और डिलीट करा, तो देखें रिकॉर्ड डिलीटेड। और जैसे मैंने ओके करा तो वो मेरी लिस्ट में से भी गायब हो गया। यानी कि हमारे जो डिलीट वाला हमने काम करा है, बिल्कुल सही हमारा काम हुआ है, क्योंकि हमने गेट ऑल स्टूडेंट्स करा तो स्टूडेंट्स ने वही दिखाया है जो अभी हमारे पास करंट डेटाबेस में पड़े हैं। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। और इस कोड का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है जो गिटहब पे अपलोडेड है। तो आपको अगर कोड भी चाहिए हो तो वहाँ से उठा सकते हैं। तो शुक्रिया एंड अल्लाह हाफिज़।